नमस्कार दोस्तों, टीएसपी देवघर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में एक और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, झारखंड न्यू वैकेंसी 2022। अगर बात करें टोटल पोस्ट की, टोटल पोस्ट 298 पदों पर, सैलरी बहुत ही अच्छी खासी। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ए से लेकर जेड तक, क्या इसके चयन प्रक्रिया रहने वाले हैं, क्या इसके प्रोसेस होने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल टीएसपी देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की तरफ से पूरी की पूरी वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है, विज्ञापन सूचना भर्ती कैंप। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे थे किन किन पदों में क्या क्या वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन होने वाला है। दोस्तों अगर बात करें नेम, एक नंबर का नेम ऑफ द पोस्ट ट्रेनिंग इंजीनियर का, जो कि 50 पदों पे है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया डिप्लोमा बीटेक। जी हाँ, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेशर, जी हाँ, सो आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। एज 18 से 30 साल, सैलरी इसमें आपका होने वाला है 15,300 सीटीए प्लस मंथ ओवर टाइम एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर की बात करें ट्रेनिंग ऑपरेटर का, जी हाँ, सो इसमें 200 पदों पर है। इसमें अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एकदम फ्रेशर वाली जॉब है। इसमें आपका सैलरी होने वाला है 11,300 प्लस पर मंथ ओवर टाइम एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, भर्ती कैंप में भाग लेने के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया भर्ती कैंप में भाग लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी जो झारखंड के किसी भी नियोजनालय से निबंधित नहीं है, मतलब आप झारखंड के आप किसी भी जिले से हैं, यहाँ आप भर्ती कैंप में भाग ले सकते हैं। दोस्तों अगर भर्ती कैंप में भाग लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और जितना आपका सर्टिफिकेट है उसका जेरोक्स लेके जाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पूरी वैकेंसी दिनांक, जी हाँ, से 20/10/2022 समय 10 बजे पूर्वाहन अपराहन जिला नियोजनालय साहिबगंज, जी हाँ, से पूरी की पूरी वैकेंसी साहिबगंज जिला से निकलकर सामने आ चुकी है और दोस्तों अब साहिबगंज द्वारा होने वाला है। इसका नियोजन करने का उद्देश्य श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जो नियोजनालय साहिबगंज के तत्वाधान पर है। दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टीएसपी देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।